बॉयज। यार मैं क्या बोल रही थी, भूली गई बात क्या कर रही थी, मेरी याददाश्त को क्या हो गया। हाँ तो ना अभी, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहती। हाँ, अब सही है यार, मेरी ना मेमोरी फुल हो गई थी। मतलब कभी कभी मेरा फोन मुझे इतना जहनी टॉर्चर करता है ना कि दिल करता है, लेकिन खैर है, मजबूरी है इसको रखना, इसके बगैर लाइफ भी तो नामुमकिन है। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी, इतने दिनों से मैं कह रही थी मम्मा को कि हम चलते हैं शॉपिंग के लिए, चलते हैं चलते हैं, लेकिन मेरी मम्मा कह रही थी ईद उल अज़हा में कौन सी शॉपिंग, ईद उल अज़हा में सिर्फ गाय और बकरों की शॉपिंग होती है। लेकिन आज फिर मैंने कहा चलो एवं देख दुख के आ जाएंगे कौन सा हमको मार के वो खरीदवा रहे हैं कि खरीद नहीं है खरीद नहीं है। तो आज चलते हैं जरा ईद की शॉपिंग के लिए, लेकिन ना ईद की शॉपिंग से ज़्यादा मुझे ना खाने पीने का शौक होता है। अच्छा, और लाइट वालों ने हमारे साथ कारनामा किया। अच्छा इसलिए ना मैंने आज हॉस्पिटल से छुट्टी भी की थी, क्योंकि यार फिर ना मैं आती 4 बजे हूँ तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। लाइट वालों ने भी आज हमारे साथ कारनामा किया, मतलब अन्नी मचा दी। सुबह गई है लाइट तकरीबन 12:45 बजे और उसके बाद आई ही अभी आई है 4:45 बजे। मतलब कपड़े कोई नहीं प्रेस हुए थे आखिर में। अभी मम्मा ने कहा कि भाई वो जो गैस वाली आयरन है ना, वो जो गैस से चलती है अंदर आग जला जला के, उससे करो इस्त्री। फिर शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने हम पे करम किया और लाइट आ गई। उफ, लाइट के बिना भी जिंदगी कितनी। खैर गाइस अभी चाय पीते और तैयार होते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज चाय। मिसबा यार पव्वा किधर है, इसमें मार दिया कर बहन। पव्वा भी जरा, पव्वा मारने से चाय अच्छी बनती है मेरी बहन, कभी तो मार दिया कर इसमें। ओके गाइस दिस इज चाय बर्निंग बर्निंग बर्निंग। अच्छा ये वाले सारे कपड़े निकले हुए प्रेस होने के लिए, और ये हमारे कपड़े अभी इस वक्त हो रहे हैं प्रेस गर्मी में। यार मेरे पास ना हर ड्रेस के लिए जो है ना स्कार्फ यही वाला बचता है। मैं ही दे रही हूँ चाबी, किधर, इधर तो नहीं है। यार मेरे घर वाले ना बहुत शोर कर रहे हैं इसलिए इग्नोर। मम्मा मैं इस पर वो दुपट्टा, वो जो प्रिंटेड था मलाइका जे डॉट के ड्रेस का, वो पहनती थी रेशमी। कब से कह रही हूँ, अब इतना तंग कर रहे हैं ब्लॉग बनाने में। उफ, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। ये देखो मुझे हल्का हल्का पसीना आ रहा है अब। ये फिर मेरी बहन मलाइका को कोई मसला हो रहा है। ये वाला, ये वाला नहीं, दूसरा ग्रीन। मलाइका यही तो पहनती, मैंने यही पहना था। कसम से ये तैयार होने में तंग नहीं किया करो यार। अंदर तो कोई नहीं है। परफ्यूम नहीं। ओए हाय मलाइका, डोंट टेल मी अभी तक दुपट्टे में ही फंसी हुई है। ये क्या चीज है यार, ये वापस यहाँ रखूँ। ठीक है, ऊपर बंद कर दिया कि बल्ब नहीं, बल्ब चल रहा है। चलो यार रेडी हो गई हूँ मैं। फायदा नहीं है इस पंखे से, तुम्हारा नहीं सूखेगा पसीना जो हरकतें कर रही हो अभी। अपनी गलती नहीं मानो, अगली बार भी करना मेरी। इसको छोड़ के चल लेते हैं बस, निकलो यार। मलाइका अंदर से फ्लैट्स पहन लो यार, क्या तंग किया हुआ है। निकलो, गुस्सा दिला दिए। हो गया, यही वाले पहन रही हो तुम लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने कहा था फ्लैट्स पहन लो। कौन से फ्लैट्स? वो जो मैरून वाले हैं मेरे। अब चलो बस पहन लिए। पहले से दुपट्टा खराब था, अब शक्ल भी खराब कर लिए इसने। ओके यार फाइनली ना मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम निकलते हैं। और बहुत देर हो चुकी है ना, गर्मी इतनी हो रही है, आज पूरा दिन लाइट ही नहीं थी। जी मम्मा ले रही हूँ एक मिनट बोतल। एक यार मैं व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ और मेरे घर वालों को मुझसे काम पड़ जाते हैं। मलाइका और मेरी बहन मलाइका का तो दुपट्टा आज मिल ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ अब जो मिल गया बस ले लो, तंग नहीं करना मुझे। मेरे मुँह में कैमरा के आगे से हट जाओ। शक्ल तो मेरी, शक्ल तो सब कुछ बंद कर दिया चले। शुक्र यार इतनी मुश्किल से मलाइका को हटाया, हटी नहीं रही थी। आज इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा था, लेकिन खैर अब चलते हैं। मेरी बहुत बेइज्जती होगी मेरी मम्मा से बहुत। आई अब गाड़ी में बैठ के, घर पे तो लाइट ही नहीं है, बर्बाद मतलब खुदा का किया हुआ। उधर से आना, आ भी जाओ है ये आगे। अच्छा हाँ ठीक है, अभी घर से निकलने आगे आगे ही मुंह करो ड्राइवर के साथ। तुम ये फिन हमारी तरफ भी करो एसी का प्लीज। तुम गरीबों को जब मिल जाए ना तुम अमीर बन जाओ। मेरी तरफ भी करो एसी। आइए चुप हो जाओ, थोड़ा सा नीचे कर दो। आपको देख के देखो मिसबा आगे बैठी भी कैसी लग रही है। मैं कह रही हूँ ये गधा गाबा है। ओके गाइस ये देखें, ये हमने कुर्बानी के लिए खरीदे। मैंने इतने दिनों से मुझे मौका नहीं मिल रहा था, आज मुझे मौका मिल गया तो मैंने आपको दिखा दिया। वो ब्रो ये देखो, ये और ये मिस बेगम। अच्छा ये है वो लाल वाला। अगर
अगर वहाँ का कोई सूट पसंद आ गया तो मोबाइल मुझे दे दे, मैं बैग में डाल। ओके सो ये फाइनली आपको पता है मैं इस बार हैदराबाद में एक बॉलीवुड मॉल है ना, मैं उसमें उस पर मैंने शॉपिंग की थी। पिछली बार मैं ना ऑटोबान पे मैंने की थी, इस बार मैंने कहा नहीं यार ऑटोबान वही बार बार एक ही जगह, इस बार ना किसी नई जगह से कर लेते हैं ना, मतलब नई जगह इन सेंस जहाँ पर मैंने नहीं बनाया हुआ व्लॉग, तो फिर ना मैंने बॉलीवुड से करने गई हूँ ना। अब सबसे पहले अच्छा साथ साथ ड्रेसेस भी थोड़े से देखते जाते हैं, ये भी तो ज़रूरी है ना, थोड़ी सी आपको भी तो पता लगे, मतलब आप मुझे पता है आप में से भी काफ़ी सारों ने कर ली होगी, लेकिन अब देखो जो वैरायटी मैंने देखी है, ऑफ कोर्स हो सकता है आपने वो वैरायटी ना देखी हो। सो ये वाली ये किसका है, हाँ अलकरम का वन पीस है, और ये जो है ना ये सेल में, अच्छा सेल बड़ी अच्छी लगी हुई है यार, 70% ऑफ दी हुई है ईद उल अजहा पर ना। और आपको पता है छोटी ईद में ना, ईद के करीब जब हम गए थे ना तो कोई ऐसी सेल नहीं थी, सेल ईद से 15 दिन पहले लगकर ख़त्म भी हो गई थी ना। अब ये वन पीस बहुत अच्छे अच्छे ना, मतलब कोई 1700 में, कोई 2000 में, कोई 2200 में आया हुआ, बट दे आर नॉट एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ये, मतलब ये सिंपल सिंपल लॉन के हैं ना, और वन पीस हैं। सॉरी अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैंने काफ़ी अरसे से ना ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया ड्रेसेस में, वन पीस मैं नहीं खरीदती ना, मतलब मैं ना बस मेरी कोशिश होती है या तो मैं टू पीस खरीदूं या फिर मैं थ्री पीस ही पूरा खरीदूं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वन पीस शर्ट लेकर तो बंदा ख्वार ही होता है ना, उसके ऊपर दुपट्टा मैच हो रहा होता है ना, उसके ऊपर ट्राउजर कोई मिल रहा होता है मैचिंग का, मिल भी जाए ना तो वो वाला मज़ा नहीं होता, वो जो एक कम्प्लीट ड्रेस होता है ना, या फिर टू पीस या फिर सॉरी थ्री पीस ना, वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा अब थोड़ा सा देखते हैं इथनिक पे, यार इथनिक वालों ने तो अन्नी मचाई हुई लिटरली इधर तो, मतलब अब खैर ये फ्रॉक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये 19-20 हज़ार का था आई गेस, इसका गैर भी बहुत लंबा है, तो मतलब प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये पूरा होता रहा था। कितने का है यार येस, हाँ मैं कह रही थी ना देखो ये 20,000 का है येस। और जो है ना जितने भी मैंने ड्रेसेस ट्राई किए ना, मतलब मैंने देखे आपको बताऊँ, मतलब इथनिक पे कोई सेल नहीं लगी हुई, आइडियाज़ पे सेल लगी हुई है यार, 70% ऑफ है, बहुत अच्छे टू पीस जो है ना वो 5,000, 6,000, 7,000 की रेंज में मिल रहे हैं ना। अच्छा अभी ये इथनिक का ये वाले जो ड्रेसेस मुझे पसंद आए थे ये एम्ब्रॉयडर्ड थे, बट दे ऑल जिनकी जो इनकी प्राइसेस है ना दे ऑल आर अबाउट, कोई तो 17,000 का है, कोई 11,000 का है, ये वाला ड्रेस इस पर एम्ब्रॉयडर्ड, इसका बाजू सब बहुत अच्छे थे, और इसकी भी प्राइस मतलब प्राइस टैग आप सारे देखते जाओ यार, हाय ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब इस ड्रेस का जो गला था पूरी इसकी कढ़ाई, ये ड्रेस ना थोड़ा थोड़ा मारिया बी के जैसे कलेक्शन होती है ना उससे मिल रहा है, बस मारिया बी की कलेक्शन में ना यही वाली ये जो ऊपर इसका एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना। मलाइका ये थोड़ा सा ऊपर से दुपट्टा उठा कर दिखाओ, उठाना दुपट्टा, निकाल हल्का सा निकालना, पूरा ना निकालना। और ये वाला ड्रेस जो है ना ये पूरा थ्री पीस था, और जो है ना इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा था, और गेंजा का ड्रेस भी पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। प्राइस इसकी ये था आपको यार मुझे लग रहा है 19-20 हज़ार का था, कितना, हाँ 20 मल्के मतलब 20,000 समथिंग समझो 21,000 का पूरा। तो एथनिक के तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल अभी नहीं है यार, ऑफ माय गॉड मेरी औकात से बात। और साया अब इस पर मल्के ये पकड़ो दिखाओ, 30% ऑफ लगा हुआ है, पीछे हो थोड़ा पीछे ऑफ लगा हुआ है कुछ ड्रेसेस पे और कुछ ड्रेसेस पे 40% ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। और एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से भी मतलब थ्री पीस में ना, थ्री पीस में यार स्टिच जो मिल रहे हैं ना 6,000-7,000 की रेंज, ये बिल्कुल ठीक है। अब 7,900 यानी कि तकरीबन 8,000 का तो है भी तो थ्री पीस। अब मतलब मैं अपनी मम्मा को भी कहती हूँ, जैसे मेरी मम्मा कहती है ना यार कोई 2-3 हज़ार में देख लो, कोई 2-3 हज़ार में मिल जाएगा मानो यार, अब इधर 2-3 हज़ार में भाई वन पीस भी नहीं मिल रहे, छान छान के थक जाओ फिर भी नहीं मिल रहे, अन्नी मचा दी है कपड़ों वालों ने भी यार, बंदा सारी पढ़ाई चढ़ाई छोड़ के डिज़ाइनर बन जाए लिटरली, और मतलब लय हो जाए बंदा मशहूर हो जाए ना तो फिर लय है। मतलब 2,000 का मेरी मम्मा ने कह रही है ये तो भाई ख्वाबों में मिलता था, अब तो यही वाले ड्रेसेस हैं देख लो सारे। अब ये जो ब्लू वाला है मुझे बहुत ये आम लगा ना, मतलब एम्ब्रॉयडरी भी कोई इतनी खास नहीं है। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी यार 10,000 का, मतलब अच्छा ये डिफरेंट मतलब फिर यही हो गया ना, थ्री पीस ये वाला फुल एम्ब्रॉयडरी में था तो ये 10,000 का था, तो मतलब आप जब छानने के लिए निकलोगे ना तो फिर आपको मतलब थोड़ी सी प्राइसेस भी समझ आती रहेंगी, और जो है ना वो कलेक्शन भी बंदा देखता जाता है ना तो फिर समझ आती रहती है। अच्छा ज़ेलबरी पे प्राइसेस, ज़ेलबरी पे ड्रेसेस बहुत सस्ते हैं, लेकिन मुझे इनके थोड़े से कलर से प्रॉब्लम था। अब ये देखो ये रेड वाला बहुत भड़का हुआ था, तो ना हालांकि फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, थ्री पीस है, और इसका दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का था, और फुल एम्ब्रॉयडर्ड विथ थ्री पीस ना 7,000 में तकरीबन ये था, तो उसके लिहाज से मुझे सही लग रहा है, जैसे और सारे में देखते देखते आई हूँ ना,
ये भी देखो पूरी एम्ब्रॉयडरी है और 3-3 पीस है, तो मतलब ज्वेलबरी के मैंने नोटिस किया, अगर आपको मतलब अच्छे ब्रांड में ड्रेस चाहिए ना जो रेंज में भी हो, तो एक प्राइम पॉइंट का भी अच्छा है और ज्वेलबरी का भी बहुत अच्छे है मतलब रेंज में। और ज्वेलबरी के तो मुझे बैग्स बहुत यार मज़े के लगे। और हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि जो आइडियाज़ है ना यार, आइडियाज़ पे तो बैग्स की भी 70% सेल लगी हुई, अगर आप लोगों को चाहिए ना आइडियाज़ पे भी बहुत अच्छी डिफरेंट वैरायटी है ना बैग्स की, हैंड बैग्स की ना। मुझे अपने लिए लेना था एक और मेरी बहन ने भी लेना था ना, तो हमने तो खैर इधर ज्वेलबरी से लिया, उधर आइडियाज़ की तरफ हम गए नहीं, मगर आज मैं दोबारा गई थी ना क्योंकि यार कुछ चीज़ें थी जो रिटर्न करवानी थी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। कुछ भंड भी मर गए ना वहाँ पे मुझसे और मेरी बहन से, तो उन भंडों को क्लियर करने के लिए आज जाना पड़ा था। इससे अच्छा फिर ये थी, थोड़ा निकालो पकड़ो पकड़ो डायपर वगैरह डालने रहे। यार मुझे ये वाला बैग अच्छा लग रहा है, पर मलाइका कह रही है डायपर डाल लो इसमें इतना बड़ा है। तुम बताओ ये इसमें अगर सामान, अगर आपने हाँ बड़े बड़े सामान, बैग लग रहा है, वो लग रहा है पूरा, हाँ ठेला लग रहा है पता है सब्जी वाला ये, लेकिन वो आई वो ठेला नहीं लगेगा, आई वो ठेला नहीं, वो वाला नहीं लगेगा, वो ब्लैक एंड वाइट वाला मलाइका, वो ब्लैक एंड वाइट वाला ठेला नहीं लगेगा। अच्छा ब्लैक दिखाओ, ये वाला देखो मलाइका ये कैसा है, ये अच्छा लग रहा है, आई ये भी तो है, आई ये भी वाला भी तो है, ये भी साइज में अच्छा है, आई ये वाला भी है, ये जिप वाला, आई वो नहीं ना, आई ये रेड वाला जैसे शायद छोटा लग रहा है मुझे, ये भी तो ज्यादा इतना भड़का हुआ लग रहा है, ये तो ज्यादा, हाँ ये भी थैला लग रहा है। मिसबा कह रही है पकड़ो, मिसबा वो ब्लैक वाला दिखाओ जो तुम्हारे हाथ में, देखती हूँ मलाइका ये कैसा लग रहा है ब्लैक वाला, ये देखो मलाइका ये उतार के दोनों वाला, मलाइका मलाइका ये रहा सामने, अच्छा तो लग रहा है कलर अंटियों वाला, यार मेरी बहन कह रही है इस बैग का कलर अंटी वाला लग रहा है, मलाइका बस कर दो मैं इसको, कोई नहीं अच्छा लग रहा है ये वाला, उधर खाड़ी से चेक करके आते हैं वरना फिर यही ले लूंगी मैं इसको, तुम अपनी के प्राइस करवा दो। और ये वाले जो ड्रेसेस है ना, अच्छा ये हैं क्रॉस स्टिच के, क्रॉस स्टिच पर तो आज भी मैं गई थी तो मैंने देखा था यार क्रॉस स्टिच पर भी बहुत महंगे, एथनिक पे फर्स्टली और उसके बाद क्रॉस स्टिच, मतलब इवन मारिया बी के भी मैंने देखे हैं, मारिया बी के भी ना कुछ रेंज में आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ना खरीदो तो, जो कम कम सी एम्ब्रॉयडरी वाले ना वो तो रेंज में आ रहे हैं। खैर यार शॉपिंग शुपिंग तो हो गई है, अब मेन चीज रह गया है खाना, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं मैं मतलब इसके बगैर तो खाने के बगैर बताओ कितना, बस ये वाली कितना टाइम लगेगा? हाँ वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लड़ती, मैंने जब मैंने आते ही देख लिया था। मिसबा मलाइका मुझे वो राइस एंड स्पाइस की खुशबू तो आ रही है कहीं से, केएफसी वाला यही खा रहे नहीं, मुझे लगा कबाब पीस वाले के, गुजर गए 15 मिनट पूछ कर आओ, मलाइका तुम ऑर्डर लेकर आओ, मेरा कॉन्टेंट फूल दे जाता है बहुत जल्दी दे देते हैं मेरा, मिसबा सीरियसली ऑर्डर तुम लेकर आओगी, ठीक है फिर जब उधर पैसे मैं दूंगी तो ऑर्डर मैं, मलाइका जाओ लेकर आओ, बस खाते ही नहीं, खाते ही नहीं चलते हैं बस वापस, मैं तो नहीं उठ के जा रहे हो, उठ के जा रहे हैं, उठ के जा रहे हो ना, संगती कर यार, बेइज्जती तुम्हारी ऐसी करूंगी, बेइज्जती ऐसी करूंगी तुम्हारी, चुप करो है जा रही करो यार, मलाइका मैं नहीं जा रही, तुम ही जाओगी लाने, मैं नहीं जा रही, सब यहाँ पे देखेंगे कि लड़की ये ऑर्डर फोन लाएगा। गाइस वो देखें फाइनली मैंने अपनी बहन को भेजा है लेने के लिए, ये खाली हाथ वापस आ रही है, मलाइका अब उठेगी ज्यादा, अभी वी बनाना आ रहा है ना, नहीं और लो 10 मिनट, मलाइका अब तुम जाओगे लेकर, तुम लोग पहले फोटो शूट कर लो, लेकर आखिर में मैं ही आई हूँ, बदतमीज हो, उठी नहीं हो दोनों तुम लोग, अब जल्दी करो, उठने की जहमत नहीं थी, फायदा इतना मेरी लड़ाई का, आखिर में लाना तो मुझे ही पड़ा है। अच्छा यार हमने जो है ना खाने के लिए कबाब जी फ्राइड चिकन ली थी, अच्छा बॉलीवुड में ना यार केएफसी और केएफसी के साथ ही ना वो है कबाब जी फ्राइड चिकन, और मैं आपको सही बात बताऊं इतनी अन्नी मचाई हुई है लोगों ने, मतलब अब भी लोगों में ये वाली चीज़ नहीं आई
कि मतलब ज़्यादा इस चीज़ को बॉयकॉट किया जाए। आपको पता है हालांकि ऐसा नहीं कि कबाब चीज़ फ्राइड चिकन भी मतलब अच्छी है, कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन देखो अपने नफ्स को भी तो थोड़ा सा बंदे को काबू रखना चाहिए। ठीक है, हम माना कि बहुत ज़्यादा KFC जितना टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यार ऐसा है कि अच्छा है, जो मतलब आप खाओ तो आपकी क्रेविंग वाली जो सॉरी KFC की क्रेविंग है ना उसको सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन फिर भी यार गज़ब खुदा का मतलब वो जो KFC वाला काउंटर था उस पर डबल लाइन लगी हुई थी, मैं हैरान थी। मुझे तो लग रहा था कि नहीं नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से KFC नहीं गई ना, तो मुझे लगा शायद सबने कम कर दिया आने जाने। तो मैं अपनी बहनों के पास से यही बात कर रही थी कि यार अभी भी हाल इतना बुरा है मतलब मुसलमानों का। आपको पता है एक बात है कि ये जो है ना ये अपने नफ्स का जहाद है, मतलब आप जंगी जहाद नहीं लड़ रहे फलस्तीन के लिए, लेकिन आप अगर इस चीज़ को कंट्रोल करते हो तो ये नफ्स का जहाद है। वो कुल्फा होती है जिसका तुम बोल रहे हो, कुल्फा फ्लेवर में वो कुल्फा होती है, ग्रीन वाली होगी ना, पिस्ता है ग्रीन वाली। कुल्फा कर, मुझे कुल्फा कोन वाली देना था साथ में। हाँ ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कुल्फा। तुम्हें खाली स्पून वाली चाहिए? मुझे ये कोल्ड ड्रिंक अपनी पकड़ो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। पर्स भी है, सूट भी है कोई? नहीं मैंने भी बैग लिया है ना यार, सूट शर्ट भी ले मैं में जाना। कुल्फा फ्लेवर अच्छा होता है, मेरी सारी लगेगी। OMG, what a beautiful shot. Maya ice cream is looking so sundar. Maya also. Your ice cream is looking so unbeautiful. तुम्हें तूफान तो नहीं आ रहा कहीं? बैठो अंदर, दरवाजा खोलो। Oh my God, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, इतना रुल खुल के भी सारी लिपस्टिक तो गायब हो गई है। अच्छी नहीं लग रही तुम, चाहे जितनी तस्वीर बना लो। सो यप, दिस इज ऑल अबाउट माई शॉपिंग व्लॉग। अच्छा एक और व्लॉग कल अपलोड करूंगी तो वो भी जरूर देख। सो यप, अब जो है ना हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।